शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान यह कहता है कि दशमी को एकाहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिस एकादशी का व्रत साधक को उसके प्रत्येक पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष के मार्ग खोल देती है। अतः चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाने वाला व्रत पाप मोचिनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप का पूजन संपूर्ण विधि विधान के अनुसार करने पर व्रत के शुभ फलों में अति वृद्धि होती है। पाप मोचिनी एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन करने मात्र से समस्त पाप एवं संकट नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तिथि मानी गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके फल एवं महत्व को कुंती पुत्र के समक्ष प्रस्तुत किया था। पाप मोचिनी एकादशी का अर्थ पाप को नष्ट करने वाली एकादशी होता है। अतः पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण तथा पठन मात्र से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस पावन व्रत को निष्ठापूर्वक करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्यागमन करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले जैसे अनेक भयंकर पाप भी नष्ट किए जा सकते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत कब किया जाता है? पाप मोचिनी एकादशी होलिका दहन तथा चैत्र नवरात्रि के मध्य में आती है तथा यह एकादशी संवत वर्ष की अंतिम एकादशी है तथा युगादि से पहले आती है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार पाप मोचिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण उत्तरी भारत वर्ष में पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन किया जाता है, साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिणी भारत में अमांत पंचांग के अनुसार यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आता है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह व्रत मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। पाप मोचिनी एकादशी व्रत का महत्व। पाप मोचिनी एकादशी का अर्थ पाप को नष्ट करने वाली एकादशी होता है। अतः पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदपान, अहिंसा, अगम्यागमन, भ्रूण हत्या जैसे अनेकानेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तिथि मानी गई है। अतः इस दिवस उपवास करने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में धन की प्राप्ति भी होती है, साथ ही जातक का शरीर भी आरोग्यमय रहता है तथा मनोरोग नहीं होते। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति तथा प्रायश्चित के लिए भी किया जाता है। इस दिन ग्रहों को शांत करने के उपाय भी अत्यंत कारगर सिद्ध होते हैं।
इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के उत्तर खंड में एकादशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है। पाप मोचिनी एकादशी के व्रत से जातक को प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही जातक को पूर्व जन्म से प्रारंभ कर वर्तमान के जन्म तक प्रत्येक पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पावन व्रत का वर्णन स्कंद पुराण में अति सुंदर रूप से वर्णित है। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अति उत्तम माना गया है। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक को अपनी समस्त इच्छाओं तथा स्वप्नों को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो जातक एकादशी का व्रत नियमित रखते हैं उन्हें भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा निरंतर प्राप्त होती रहती है। ब्रह्मांड पुराण में पाप मोचिनी एकादशी का दिन एक ऐसे व्रत के रूप में वर्णित है कि जिस दिन व्रत रखने से समस्त दुखों की समाप्ति होती है तथा भाग्य शीघ्र उदित हो जाता है। हिंदू धर्मानुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के प्रत्येक पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बताया है कि एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य है। एकादशी के दिन सूर्य तथा अन्य ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तित होते हैं, जिसका प्रत्येक मनुष्य की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। इन विपरीत प्रभाव में संतुलन बनाने हेतु व्रत किया जाता है तथा ध्यान ही मनुष्यों में संतुलित रहने के गुण विकसित करते हैं। पाप मोचिनी एकादशी के महत्व का वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में भी प्राप्त होता है तथा इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। उन समस्त पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी पाप मोचिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर पाप मोचिनी एकादशी व्रत रखता है उसे मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत रखने से जाने अनजाने में किए जातक के समस्त पाप क्षमा होते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिवस दान का विशेष महत्व होता है। जातक यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोना का दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त होता है। अतः पाप मोचिनी एकादशी के दिन यथासंभव दान व दक्षिणा देनी चाहिए। जो जातक पाप मोचिनी एकादशी का सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं। साथ ही जातक को सांसारिक जीवन में सुख शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी का उपवास करता है वो मरणोपरांत वैकुंठ जाता है। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातक को मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं, किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो जातक पाप मोचिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिवस उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही व्रत के प्रभाव से जातक का शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एकाहार अर्थात एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने का विधान है। एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है तथा भारी दोष लगता है। एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक माना गया है। अतः एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी तथा फलदायक है। इस दिवस जातक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध चित्त से प्रभु की पूर्ण भक्ति से सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा के पात्र बनता है। पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने, सुनाने तथा पढ़ने मात्र से 100 गायों के दान के तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः पाप मोचिनी एकादशी मुक्तिदायिनी होने के साथ ही
समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। पाप मोचिनी एकादशी व्रत पूजन सामग्री। भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिष्ठान तथा ऋतुफल। पाप मोचिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पाप मोचिनी एकादशी के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए, जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल पाए। तथापि यदि जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए। प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में भोग विलास का त्याग कर एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा नारायण की छवि मन में बसाए हुए भगवान का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, मसूर, लहसुन, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा घर को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आसन पर बैठकर संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप क्षमा करें। संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है तथा उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा रखी जाती है। उसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं एवं पुष्प तथा ऋतुफल का भोग लगाएं तथा शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धूप दीप गंध, कमल अथवा वैजंती पुष्प, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य, मिठाई, नारियल, सुपारी, सुंदर आंवला, बैर, अनार, आम आदि जैसे ऋतुफल से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। अतः भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति तथा आर्थिक समृद्धि के लिए पाप मोचिनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में पंचामृत का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए। इस दिन श्रीखंड चंदन अथवा सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, अतः निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। फल तथा दूध खाकर एवं संपूर्ण दिवस चावल तथा अन्य अनाज ना खाकर आंशिक व्रत रखा जा सकता है। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है। कहा गया है कि जो भक्तजन एकादशी की रात्रि में जागरण एवं भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः संभव हो तो रात्रि में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी, सुननी तथा सुनानी चाहिए। व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण भोज करवाने के पश्चात योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को अन्न का दान तथा यथासंभव सोना, तिल, भूमि, गौ, फल, छाता, जनेऊ या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए।
पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पारण, एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। पाप मोचिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के उत्तर खंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से परम पुण्यकारी पाप मोचिनी एकादशी के विषय में पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को पाप मोचिनी एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें पाप मोचिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। पाप मोचिनी एकादशी की कथा पढ़ने, सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणियों को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, अतः तुम यह कथा ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि सुनो राजेंद्र, मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर स्वयं महर्षि लोमेश जी ने कही थी। लोमेश जी कहने लगे कि हे नृप श्रेष्ठ, प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक वन था। अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। चैत्ररथ वन से सुंदर अन्य कोई वन न था। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघावी नामक एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे प्रचंड शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, अतः वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेघावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाई तथा उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस प्रकार कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेघावी भी युवावस्था में थे तथा अत्यंत हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन प्रारंभ किया तो महर्षि मेघावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे उसी समय आलिंगन करने लगी। महर्षि मेघावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए तथा काम में वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे। काम में वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा तथा कई समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिता दिया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा, हे रूपसी, अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ
तथा वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें भयंकर क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे तथा इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन तथा प्रचंड दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिन बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए तथा कृपा करके बताइए कि इस दुखद श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल प्रदान करने वाली होती है तथा आपके साथ तो मेरे कई वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा भयंकर अनिष्ट किया है, किंतु दयावश मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचिनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तुझे पिशाचिनी की देह से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। उसके पश्चात अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे प्रत्येक तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तेरा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके घंघोर पाप किया है। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज तथा मेरे तप सब कुछ नष्ट हो गए हैं, कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे प्रत्येक पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके प्रत्येक पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई तथा पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। अतः हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचिनी एकादशी का महात्म्य सुनने या पढ़ने मात्र से ही सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गर्भ हत्या, मदिरा का सेवन, गुरु पत्नी गमन करने वाले जैसे अनेक पाप इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह व्रत अत्यधिक पुण्य को प्रदान करने वाला है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।